श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दा वड्डा इल्जाम बेअदबी ते गोलीकांड केस दे चलान विचों कढ़िया गया राम रहीम दा नाम डेरा मुखी नूं शामिल ना करना वड्डी साजिश वल दस्या इशारा। एसआईटी दे मुखी आईजी परमार वल्लों जथेदार दे इल्जामां दा कीता गया खंडन। रेप मामले विच विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी की मांग नूं लैके अकाली दल वल्लों कीता गया मुजाहरा। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू दे घर बार कीता गया प्रदर्शन। आशू उत्ते बैंस नूं गिरफ्तारी तों बचाउण दे इल्जाम। किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे ने लिया सख्त एक्शन। 7 दिनां दे लई कीता गया मुअत्तल। इस दौरान कोई बयान अते किसी स्टेज उत्ते नहीं जा सकणगे चड़ूनी। दक्षिणी अफ्रीका विच हिंसा नाल हालात बेकाबू। साबका राष्ट्रपति जैकब जुमा दे समर्थन विच हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कई थां उत्ते वाहनां नूं लाई अग। मौत से दुकानां नूं भी लुटिया। हुण तक 72 लोकां दी गई जान। पाकिस्तान विच आतंकवादी हमला। पेशावर विच आतंकवादियों ने चीनी नागरिकां नाल भरी बस नूं उड़ाया। चीनी इंजीनियर सने 13 दी मौत। दासू डैम उत्ते काम कर रहे सी चीनी इंजीनियर। गुड मॉर्निंग पंजाबियों, एबीपी सांझा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। लैके हाजिर हाँ फटाफट अंदाज विच वड्डियां खबरां। बरगाड़ी बेअदबी मामले नूं लैके श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने वड्डे इल्जाम लगाए ने। उन्हां दा कहना है कि इस मामले विच गठित की गई नवी एसआईटी वल्लों इस केस दे चलान विचों डेरा मुखी राम रहीम दा नाम कट दिता गया। हालांकि इस एसआईटी दे मुखी आईजी परमार वल्लों इन्हां इल्जामां दा खंडन कीता गया है। उन्हां दा कहना है कि इस मामले दी जांच हले जारी है। उधर बेरोजगार अध्यापकां वल्लों लगातार कई महीनों तों नौकरी दी मांग नूं लैके प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अज इन्हां बेरोजगारां ने पटियाला विच मोती महल दा घिराओ करन दी कोशिश कीती। इस दौरान पुलिस वल्लों उन्हां ते लाठीचार्ज किया गया। फरीदकोट की अदालत विच पंजाब सरकार वल्लों गठित की गई एसआईटी वल्लों पेश किए चलान विचों डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम का नाम कढ़न उत्ते श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरबीर सिंह ने तिखा इतराज जताया है। जथेदार ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि बरगाड़ी ते बुरज जवाहर सिंह वाला वाले केस इको जिहे ने, पर एसआईटी ने 128 नंबर परचे विच जो 2 दिन पहला चलान पेश किए ने उस विच डेरा मुखी नूं शामिल ना करना वड्डी साजिश वल इशारा करदा है। जथेदार ने कहा कि 2022 दीआं चोणां विच कांग्रेस सरकार इस तों लाहा लैणा चाहुंदी है, इसलिए इस मामले उत्ते सियासत हो रही है। उन्हां मंग कीती है कि डेरा मुखी नूं हरियाणा दी जेल विच लिया के पंजाब विच पुछगिछ कीती जावे। क्यों सौदे साध दा नाम जिहड़ा है परसों जिहड़ा चलान पेश कीता है फरीदकोट दे विच 128 नंबर FIR दे संबंध दे विच, उहदे चों अखौती सौदे साध दा जिहड़ा नाम जिहड़ा है उह बाहर क्यों कढ़िया गया। असी तो यह मंग करते हैं कि जिहड़ा उत्थे जिहड़ी जेल च बंद है हरियाणे दी, उस हरियाणे की जेल दे विचों इनू इत्थे लियांदा जाए पंजाब दे अंदर और इहदे तों बिल्कुल तफशीश जिहड़ी है वह की जाए, इस तों पुछया जाए इस तों सारा इस घटनाक्रम दे विच जो बरगाड़ी दे विच होया, जो बुरज जवाहर सिंह वाले दे विच होया, इन्हां बारे सौदे साध तो पुछ होनी चाहिए सी, पड़ताल होनी चाहिए सी, सख्ती दे नाल पुछया जाना सी, उहनू चाहिए सी उहनू पंजाब दे विच लिया के, पर कितने ना कितने ये बहुत वड्डी जिहड़ी है इहदे पिछे साजिश काम करदी नजर आउंदी है। बेअदबी मामलों की जांच करने लई मुड़ गठित की गई एसआईटी दे मुखी ते बॉर्डर जोन दे आईजी SPS परमार ने इन्हां इल्जामां दा खंडन किया कि डेरा मुखी दा नां केस विचों कढ दिता गया है। आईजी ने स्पष्ट किया कि केस की जांच हले जारी है ते जो भी इस मामले विच कसूरवार पाया गया उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने एबीपी सांझा नाल गलबात दौरान दस्सिया कि सारे मामले की जांच हले जारी है। ये पहला चलान है जो पुलिस वालों गिरफ्तार किए 6 मुलजमान खिलाफ पेश किया गया। इस दे नाल ही परमार ने कहा कि इन्हों 6 मुलजमान की पुछगिछ विच 3 डेरा प्रेमियों का नाम भी सामने आया है जो मुख मुलजम ने ते भगौड़े ने। इन्हों की गिरफ्तारी तो बाद पुछगिछ विच ये पता लगाया जाएगा कि उन्होंने किस दे कहण उत्ते इस घटना नूं अंजाम दिता है। कथित जबर जना मामले विच घिरे लोक इंसाफ पार्टी दे प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी नूं लैके अकाली दल वल्लों कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू दे घर दे बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अकाली दल आगुआं दा पुलिस नाल टकराव भी होया ते जिस तों बाद आगुआं नूं हिरासत विच लै लिया गया। अकाली दल वल्लों कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ते सिमरजीत सिंह बैंस नूं गिरफ्तारी तों बचाउण दे इल्जाम लगाउंदे होए कैबिनेट मंत्री दे निवास दे बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी आगुआं ने इल्जाम लगाए ने कि बैंस की गिरफ्तारी नूं कैबिनेट मंत्री वल्लों रोकिया जा रहा है जिन्हां दे दबाव हेठ पुलिस काम कर रही है।
बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापकों वालों पटियाला विच मुख्यमंत्री दे मोती महल का घेराव करने की कोशिश की गई। रोजगार की मांग नूं लैके संघर्ष कर रहे अध्यापकों उत्ते पुलिस वालों लाठीचार्ज किया गया। रोजगार की मांग लैके संघर्ष कर रहे बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापक संगरूर विच डीसी दफ्तर के बाहर लगातार 6 महीनों तो धरना दे रहे हैं। इन्हां अध्यापकों का इल्जाम है कि लगातार 2 महीनों तो मीटिंगों विच पंजाब सरकार वालों मंगा मनण का मजाक किया जा रहा है ताजो उन्होंने संघर्ष को किसी न किसी तरीके लमकाया जा सके। अमृतसर के सिविल हस्पताल के बाहर पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसिज एसोसिएशन ते होर सहयोगी जथेबंदियों वालों पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का पुतला साड़िया गया। यह विरोध पंजाब सरकार वालों नोटिफाई किए 6वें पे कमीशन विच त्रुटियां के खिलाफ और एनपीए नूं डीलिंग करन दे खिलाफ किया गया है। जथेबंदी ने सिविल हस्पताल विच एमरजेंसी नूं छड्ड के बाकी सारिया मेडिकल सेवावां रोक दित्तियां ते नाल ही चेतावनी दी है कि अगले दिनों विच सरकार ने उन्हां दी मंग ना मन्नी तां एमरजेंसी ते कोविड बाबत वर्किंग भी बंद कर दी जाएगी ते मरीजां दी परेशानी दे लई सरकार जिम्मेवार होवेगी। अमृतसर के सिविल हस्पताल के अज 6वें पे कमीशन के त्रुटियों नूं लै के जिहड़े डॉक्टर ने वह अज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाल ही एनपीए की बहाली नूं लै के भी डॉक्टरों वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जिहड़े प्रदर्शन 6वें पे कमीशन के खिलाफ पिछले कई दिनों के चल रहे हैं। अमृतसर के सिविल हस्पताल के कच्चे मुलाजम जिहड़े ने उन्हां नूं पक्के करन दी मंग नूं लै के इस जगह पर प्रदर्शन जा रहे हैं। तुसीं देख सकते हो कि कालियां पट्टियां बन के डॉक्टर ने जिहड़े वह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस करके अज सिविल हस्पताल दे विच पीसीएमएस एसोसिएशन वालों पूरे पंजाब के सरकारी हस्पतालों के 6वें पे कमीशन त्रुटियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। अज ओपीडी ओडी समेत सारिया डॉक्टरी सेवावान बंद रखी गई हैं। सिर्फ जी एमरजेंसी सेवावान ने उन्होंने बहाल रखा गया है। तो वक् वक् जथेबंदियां जिहड़ियां नाल ने वह भी इस प्रदर्शन के शामिल ने। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने 7 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इस दे नाल ही फैसला लिया गया है कि चड़ूनी 7 दिन तक ना तो कोई बयान दे सकते ने अते ना ही किसी स्टेज उत्ते जा सकते ने। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार गुरनाम सिंह चड़ूनी की बयानबाजी नूं लेके नाराज चल रहा है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मिशन पंजाब का नारा दिता सी ते कहा सी कि जे सत्ता हासिल करनी है तो किसानां नूं चोण लड़नी होवेगी ते कोई अपना चेहरा अगे करना होवेगा ता ही किसानां दे मुद्दे का हल हो सकेगा। जिस तो बाद किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने उन्हां दे इस बयान का विरोध किया सी ते हुण संयुक्त किसान मोर्चे वालों चड़ूनी ते सख्त एक्शन लिया गया। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि मानसून सैशन 19 जुलाई तो शुरू होने तो बाद किसान संसद विच अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद 200 लोग बस राही जाएंगे तो जदों तक सदन की कार्रवाई चलेगी असं संसद के बाहर बैठांगे तो शांतमई प्रदर्शन होगा। सांझे किसान मोर्चे ने कहा कि पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के किसान ते आगू दिल्ली दी सरहदा उत्ते विरोध प्रदर्शन कर रहे ने ते संसद के बाहर कानूनी अते शांतमई ढंग दे नाल विरोध प्रदर्शन विच हिस्सा लैणगे। मुक्तसर विच 6वें पे कमीशन के खिलाफ सरकारी हस्पताल के स्टाफ वालों रोस प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान डॉक्टरों वालों इल्जाम लगाए गए ने कि कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने हित विच नहीं है ते वो इसनू नकारते ने। इस दौरान डॉक्टरों ते मुलाजमान वालों कालिया झंडिया लेके रोस मार्च भी कढ़िया गया। फिलहाल समय एक छोटे जे ब्रेक दा ब्रेक दोस बार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों नूं की दित्ती है वड्डी राहत। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी मीह तो बाद तबाही के निशान पिछे रह गए ने। इस रिपोर्ट में देखांगे धर्मशाला के पाकसू नाग तो तबाही के निशान दी तस्वीर जिथे घर के दुकसानों नूं वड्डा नुकसान पहुंचा है। सड़क टुट गई ने ते स्थानक लोगों ने प्रशासन के इंतजाम से सवाल खड़े किए ने। पर इस तो पहला देख लेंगे कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की दी है वड्डी राहत।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते उत्ते लगी रोक हुण हटा दी गई है। पिछले साल कोरोना काल की शुरुआत विच महंगाई भत्ते उत्ते रोक लगाई गई सी। महंगाई भत्ते दीयां तीन किश्तां उत्ते रोक लगी सी। रोक हटाने तो बाद हुण तिन्हां किश्तां नूं मिला के कुल 11% दा वाधा होएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि DA 17% तो वधा के हुण 28% कर दिता है। इस फैसले नाल 50 लाख तो ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों अते 61 लाख पेंशनर्स नूं फायदा होगा। सोमवार नूं हिमाचल प्रदेश विच भारी बारिश तो बाद धर्मशाला दे पाकसू नाग विच तबाही दे निशान रह गए ने। पानी दा तेज वहा कारां नूं रोड़ के लै गया सी। वाहन जल सैलाब तो बाद बुरी तरह दे नाल टुट गए। सड़कां भन्नियां गईयां ने, घर दुकानां बुरी तरह नाल नुकसानियां गईयां ने। इस तबाही तो बाद स्थानक लोकां ने सरकार दे इंतजामां उत्ते सवाल खड़े कीते ने। यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं धर्मशाला में। ये भक्सू नाग है जगह, मकलोडगंज जो बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भक्सू नाग में सोमवार को जो सुबह 10:30 बजे जो फ्लैश फ्लड आया था भारी बारिश की वजह से, उसके वीडियोस तमाम लोगों ने देखे किस तरह से पानी जो है नाले में, जो पहाड़ों से जो पानी आता है, वो जो नाला था उसमें किस तरह से बाढ़ आ गई और कारों को किस तरह से वो पानी अपने साथ जो है बहा के ले गया। तो इस वक्त हम भक्सू नाग में ही खड़े हैं। आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां से पानी जो है उसके निशान आप देख सकते हैं, मंजर जो उस दिन रहा होगा। ये एक नाला है साइड में, आप जिसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। और इस नाले में बेसिकली ये नाला जो है, ये पहाड़ों से जो पानी आता है, जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं पानी के पहाड़ों में, उस पानी को ये ड्रेनेज के लिए है, नेचुरल ड्रेनेज है ये। पर सोमवार को जो मंजर हमने देखा कि बारिश के बाद जो है यहाँ फ्लड आया और ये सारी दुकानें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारी दुकानें, इन दुकानों में जो है पानी जो है घुस गया था सारी दुकानों में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही उस दिन हुई है, किस तरीके का मंजर स्थानीय लोगों ने उस दिन देखा होगा। मंजर क्या कि बारिश तगड़ी होने के बाद कि जो नाला ब्लॉक हो गया था, वो पानी नाला का वो इस तरफ आ गया और ये सारा एक लेवल एक ही हो गया ये। और एक लेवल होने में दुकानों में इतना पानी भर गया कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी भी बेचारों के कीचड़ ही कीचड़ है उसके अंदर। तो हमारी रेड़ी यहाँ लगती है, वो भी सारी दब गई थी यहाँ से, यानी पूरा प्लेन हो गया बिल्कुल। और यहाँ गाड़ियाँ ऊपर से बह के जितनी आई थी, आज अभी भी दबी पड़ी हैं। देखो गाड़ी वो रेत में है, हाँ वो पड़ी है दबी हुई। हाँ, और यहाँ जितनी गाड़ी थी वो सब पानी इन्हीं पर टक्कर थी। हाँ जी, और जितना नाला ये इधर का पानी सब इधर ही था, नाले में तो बिल्कुल ही पानी नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब ते उत्तराखंड तो बाद हुण गोवा विच मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने गोवा विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने उत्ते 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही उन्होंने पुराने सारे बिजली बिलों नूं माफ़ करन दा वादा भी किया है। इस तो पहला केजरीवाल ने पंजाब ते उत्तराखंड विच भी अजिहे ऐलान किए सन। इन्हां सूबियां विच अगले साल चोणां होण जा रहियां ने। महाराष्ट्र के पुणे में एक दुल्हन कार के बोनट उत्ते वीडियो शूट करवा रही थी, तो इस दौरान उसने मास्क नहीं पाए हुए थे। सोशल मीडिया उत्ते यह वीडियो वायरल होने तो बाद पुलिस को इसका पता चलिया, जिस तो बाद पुलिस ने कोरोना के नियमों की उल्लंघना के इल्जाम में मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक महिला का एक रिश्तेदार कार चला रहा है, जिस तो बाद एक होर व्यक्ति जो बाइक उत्ते सवार होकर उसका शूट कर रहा है, तो कुछ होर लोग जो कार में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने सारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भारत के जिमनास्टिक जज दीपक काबरा ने इतिहास रच दिता है। दीपक काबरा ओलंपिक खेडों की जिमनास्टिक मुकाबले में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए ने। वो 23 जुलाई तो शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के रिदमिक जिमनास्टिक मुकाबले में जज होंगे। इसकी जानकारी भारत के स्टार जिमनास्टिक खिडारन दीपा करमाकर ने सोशल मीडिया उत्ते दिती है। बतौर जज 2010 राष्ट्रमंडल खेडा उन्हों का पहला अंतरराष्ट्रीय टूरनामेंट से। 2014 एशियाई खेडा नौजवान ओलंपिक में भी वह जज रहे हैं। उन्होंने इस तो बाद 2018 एशियाई खेडा और राष्ट्रमंडल खेडा, अर्जेंटीना में नौजवान ओलंपिक और विश्व कप जिहे होर अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भी जज की भूमिका निभाई है। कोरोना विचकार जापान की राजधानी टोक्यो विच कराए जा रहे ओलंपिक तो कई टेनिस स्टार अपने नाम वापस ले चुके ने। पिछले ही महीने स्पेन के राफेल नडाल ने नाम वापस लिया सी, ते हुण स्विट्जरलैंड के स्टार रॉजर फेडरर ने भी ओलंपिक विच नहीं खेडन का फैसला किया है।
उधर सर्बिया के वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच के खेडन से भी सस्पेंस बरकरार है। नडाल फेडरर और जोकोविच सब तो ज़्यादा 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत के बराबरी ते ने। कोरोना के चलते टोक्यो एमरजेंसी लागू है तो स्टेडियम विच फैंस के ना आने पर पाबंदी भी है। यही कारण है कि जोकोविच टोक्यो की यात्रा करने लैके उलझन विच ने, जदों कि नडाल और फेडरर ने सट के कारण आराम लिता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे में सब तो तेज 81 पारियों में 14 सैकड़े जमाने वाले पहले खिडारी बन गए ने। इस मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिता है। अमला ने एक कारनामा 84 पारियों में किया। बाबर ने इस मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पिछे छोड़ दिया है। कोहली ने डेब्यू तो बाद 103 वनडे पारियों में 14 सैकड़े जड़े से और सब तो तेज सैकड़े लगाने वाले मामले में वर्ल्ड में चौथे नंबर पर ने। पाकिस्तानी कप्तान बाबर ने उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ 13 जुलाई को खेडे गए बर्मिंगम वनडे में हासिल की है। इस मैच में बाबर के सैकड़े के बावजूद टीम मैच नहीं जीत सकी है तो 3 वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप का शिकार हुई है। आयरलैंड के खिलाफ खेडे गए 3 मैचों की सीरीज के दूजे मुकाबले में दक्षिणी अफ्रीका की टीम उलटफेर का शिकार हो गई। आयरलैंड ने दूजे वनडे में शानदार खेड का प्रदर्शन करते हुए 43 दौड़ों के नाल धमाकेदार जित दर्ज की है। इस दे नाल ही आयरलैंड वनडे सीरीज में 1-0 के नाल बढ़त बनाने में भी कामयाब हो गई है। कप्तान एंडी बालबियरनी के सैकड़े की बदौलत आयरलैंड चुनौतीपूर्ण टीचा खड़ा करने में कामयाब हो गई। बालबियरनी ने 117 गेंदा 102 दौड़ा बनाईया ने। आयरलैंड ने पहला बल्लेबाजी करते हुए 5 विकटा उत्ते 290 दौड़ा का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिता, जिसके जवाब में दक्षिणी अफ्रीका की टीम 48.3 ओवर 247 दौड़ा से ऑल आउट हो गई। रुकदे एक होर छोटे जे ब्रेक दे लिए, ब्रेक दे उस पार दसांगे कि दक्षिणी अफ्रीका विच क्यों हो रही है हिंसा, जिस विच हुण तक 72 लोगों की जान जा चुकी है ते पाकिस्तान विच होया आतंकवादी हमला।